Hey, what's up guys? Welcome back to Anand Solution. तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो भैया अपना सिविल स्कोर, बेसिकली सिविल स्कोर आपको पता ही है भैया एक फाइनेंशियल कंडीशन होती है, आप यानी कितने लॉयल हो वो भैया आपका जज करती है आपकी सिविल स्कोर। ऐसे में गाइस आज की वीडियो में यही बताएंगे आप कैसे अपना सिविल स्कोर निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री में अपने पेटीएम एप्लीकेशन से। जी हाँ नहीं दोस्तों, आज की वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। सबसे पहले गाइस कुछ पैरामीटर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो है भैया अगर आपका जो सिविल स्कोर है 600 से बिल्कुल कम है, 600 से कम है तो दोस्तों आपको भैया बैंक वाले आपसे बात ही नहीं करेंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, यानी दोस्तों बैंक वालों को आपका कोई डाटा नहीं मिला भैया, आपने कोई लोन ले रखा है नहीं, है तो एक डिफाल्टर है। ऐसे में गाइस सबसे पहला जो पैरामीटर उसको मान लीजिए 600 से यहाँ पे 649, जिसको गाइस यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पुअर जो आपका सिविल स्कोर है कहेंगे। उसके बाद गाया जाता है 700 से यहाँ पे 750, यानी 700 से 749 है, जिसको गाइस यहाँ पे गुड है। दोस्तों जो आप सिविल स्कोर जैसे आपको यहाँ पे लोन वगैरह अप्लाई कर सकती हो, लेकिन गाइस यहाँ पे बैंक वाले आपको क्रेडिट कार्ड ना दे तो दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको सिविल स्कोर को। ऐसे में गाइस जो यहाँ पे फाइनल पॉइंट है, और ऐसे में गाइस अगर आपका सिविल स्कोर 752-900 दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे इतना है तो दोस्तों आप एक एक्सेलेंट सिविल स्कोर वाले बंदे हो, और दोस्तों आपको कोई भी लोन या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड तो तुरंत अप्लाई करना पड़ेगा आपको, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री नहीं देनी पड़ेगी बैंक वालों को। तो दोस्तों ये है कुछ सिविल स्कोर के यहाँ पे पैरामीटर्स। आप सीधा चलते हैं यहाँ पे सीधा मोबाइल स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप पेटीएम एप्लीकेशन से आपका सिविल स्कोर चेक कर सकते हो। तो गाइस सिंपली हम आ चुके हैं यहाँ पे पेटीएम पे, और गाइस मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे क्रेडिट स्कोर। सिंपली गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैं क्रेडिट स्कोर सर्च करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो ये आ गई हमारी सर्विस ही, यानी सिंपली गाइस देख सकते हो यहाँ पे आने के बाद सिंपली को दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल पूछेगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका पैन नंबर, उसके बाद गाइस पूछेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों याद रहे सेम टू सेम यहाँ पे पैन नंबर वाला सारा का सारा डाटा डालना है। सिंपली जैसे मैं यहाँ पे डेट बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ पे 2000। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सिंपली दोस्तों नीचे पूछेगा भैया आपकी ईमेल आईडी। सिंपली गाइस जो भी आपकी ईमेल आईडी है दोस्तों कोई भी आप ईमेल आईडी डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे डालने के बाद चेक क्रेडिट स्कोर पे आपको ओके करना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे प्लीज वेट करेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे और थोड़ी डिटेल मांगे, जैसे आपकी जो जेंडर है, साथ में गाइस आपका एरिया का जो पिन कोड है। सिंपली गाइस आपको इस प्रकार से यानी सबमिट कर देना है। सिंपली दोस्तों मैं सबमिट पे ओके करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका सारे के सारे डिटेल डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका सिविल स्कोर यहाँ पे दिखने लग जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका जो मतलब दोस्तों यहाँ पे दोनों की दोनों कंपनी शो हो रही है। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग मेरा सिविल स्कोर इतना है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 लोन चल रहे हैं मेरे, इन्होंने शो कर रखे हैं। एंड दोस्तों मैं पीछे दिखा देता हूँ, यहाँ पे सारे के सारे लोन और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे शो होते रहते हैं। तो ये है भैया मेरा सिविल स्कोर। ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो 750 यहाँ पे मेरा सिविल स्कोर है। अगर ये वाला ऑप्शन आपका आ नहीं रहा है तो दोस्तों आपको मतलब दोस्तों जल्द ही आपका ऑप्शन आ जाएगा। एंड ये तो आपको फाइनल मिलने ही वाला है। एंड दोस्तों आप जल्दी से जल्दी कोई भी अगर आप लोन लेते हो या फिर जो भी सिस्टम लेते हो, धीरे धीरे दोस्तों आपके लोन वाले सेक्शन दोस्तों यहाँ पे आपको, जैसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड से मैंने ले रखा है या फिर दोस्तों जो भी है यानी कोई भी फाइनेंस कंपनी है, सब कुछ यहाँ पे दोस्तों मेंशन होती रहेगी। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं फाइनल सिविल स्कोर जो यहाँ पे एक्सेलेंट है। तो गाइस इस प्रकार से आप अपना जो सिविल स्कोर है आसानी से देख सकते हो और अपने पेटीएम एप्लीकेशन में ही देख सकते हो। ऐसे में गाइस यहाँ पे और भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी यहाँ से जैसे जो डिटेल है बिल्कुल रिपोर्ट में लेना, इसको प्रिंट करना, मतलब दोस्तों बहुत सारी आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाती है। अगर आप इसको चाहो तो यानी इस लिंक को शेयर करना है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और गाइस ये वाला ऑप्शन आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।